नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूं महेश्वरी की। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। इंदिरा गांधी की बरसी, वल्लभभाई पटेल की यौम पैदाइश, कौम ने दोनों लीडरों को किया याद। दादी मेरी ताकत है, राहुल गांधी और कांग्रेस का इंदिरा गांधी को खराज अकीदत पेश। इंदिरा गांधी ने इंडिया को अपनी काबिलियत से एक मजबूत और सेक्युलर देश बनाया, प्रदेश कांग्रेस। 100 करोड़ रुपए कमा कर देने के बावजूद हम जायज हकूक से महरूम, SRTC मुलाजमी। हम सरदार पटेल के हमेशा उनकी खिदमत के मकरूज हैं, पीएम मोदी का बयान। अगर जम्मू व कश्मीर का इंजिमाम सरदार पटेल को सौंपा जाता तो आर्टिकल 370 का मसला पैदा न होता, राजनाथ। हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के शहरियों को काम करना चाहिए, LG सिन्हा। कोकरनाग और अनंतनाग में भी राष्ट्रीय एकता दिवस की तकरीबात। मौसम में बड़ी तब्दीली का इम्कान, दो दिन के बाद बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का कश्मीर में स्कूलों के अवकात में तब्दीली का हुक्म जारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को उनकी बरसी, जबकि वल्लभभाई पटेल को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी दादी इंदिरा गांधी को वक्फ करते हुए कहा कि वो उनकी ताकत है। उन्होंने लिखा है कि मेरी दादी मेरी ताकत है, मैं हमेशा इस हिंदुस्तान की हिफाजत करूँगा जिसके लिए आपने यानी इंदिरा गांधी ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। आपकी यादें हमेशा मेरे साथ मेरे दिल में रहती है। वहीं यहां भी कांग्रेस भवन श्रीनगर और जम्मू में कांग्रेस पार्टी ने तकारीब का एहतमाम किया, जिसमें कांग्रेस के लीडरों ने इंदिरा गांधी को उनकी बरसी पर उनको याद किया और उनकी जिंदगी और हिंदुस्तान के लिए उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि इंदिरा गांधी ने इंडिया को अपनी काबिलियत से एक मजबूत और सेक्युलर देश बनाया। पेश है मोहम्मद सालेह की ये रिपोर्ट। अब देखिए, मरहूम इंदिरा गांधी जी, उसने पूरे हिंदुस्तान में अपना लोहा मनवाया, उसी पर उसका नाम आयरन ऑफ डेरी पड़ा। मतलब वहाँ हर एक चीज को, हर एक मसले को, मतलब उनके जमाने में, उनके दौर में कितने मुश्किलात आए पूरे हिंदुस्तान में, मगर वो एक लेडी होके बिल्कुल रोना बोते चट्टान की तरह खड़े हुई और पूरे हिंदुस्तान में अपना एक लोहा मनवाया है और हर वक्त हर मुश्किल में हर एक पहलू पर वो नजर रखती थी और तभी उन्होंने इतना बड़ा दौर एज प्रेसिडेंट एज प्राइम मिनिस्टर काम। इधर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में SRTC मुलाजमी ने अपने जायज मुतालबात को लेकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और दावा किया कि हमने इस साल सरकार को 100 करोड़ रुपया कमा कर दिया, लेकिन सितम जरीफी ये है कि इसके बावजूद हमें अपने जायज हकूक से महरूम रखा जा रहा है। एहतजाजियों का कहना है कि हमारा 6th पे कमीशन अभी तक लागू नहीं किया गया। चाहते हैं कि हमारा बिगाड़ गवर्नमेंट से न हो, हम चाहते हैं हम अपना काम खुश उसलूबी से निभाएं, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ इस साल जो हमने मेहनत की उसका मुआवजा हमने कमाया, हमने रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करके 200 करोड़ यहां पे रेवेन्यू कमाया, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाहिद कॉरपोरेशन है, बहुत सारी कॉरपोरेशन यहाँ पे है। बिना, मैं इतना कहूँगा कि इतना कमा के, इतनी मेहनत करके भी हमारा DA अभी पेंडिंग है, हमारा 6th पे 7th पे कमीशन अभी हमें नहीं दिया गया है, अभी हमारे जो कंसोलिडेटेड मुलाजिम है जो पिछले 12-13 साल से यहाँ पे रेगुलर नहीं हो रहे हैं, जबकि उनका पीरियड सिर्फ 7 साल तक था, 8 साल तक था, लेकिन 13-14 साल वो यहाँ पे काम 13-14 साल से वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने उनको कोई ऑर्डर उनके लिए जारी नहीं किया, उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। आज इसी बुनियाद पे जब हमारी डिमांड्स, इतना रेवेन्यू कमा के भी हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही है, तो आज हमने शुरुआत की, एहतजाज की। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने साबिक नायब वजीर अजम सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया और कहा कि मुल्क हमेशा उनकी खिदमत का मकरूज है। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम उनके नाकाबिल तस्खीर जज्बे, दूर अंदेशी और इस गैर मामूली लगन को याद करते हैं जिसके साथ उन्होंने हमारी कौम की तकदीर को तश्कील दिया था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ में
सरदार वल्लभभाई पटेल के यौम पैदाइश पर रन फॉर यूनिटी के मौके पर अपने खिताब के दौरान कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल के ख्वाबों के एक भारत की तामीर में हमें उन तमाम आज़ादी पसंदों और रहनुमाओं को याद रखना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने और हिंदुस्तान की तामीर में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर का इंजमाम सरदार पटेल को सौंपा जाता तो आर्टिकल 370 का मसला पैदा नहीं होता। एलजी मनोज सिन्हा ने आज सरदार वल्लभभाई पटेल के यौम पैदाइश पर श्रीनगर में मुख्तलिफ तकारीब में हिस्सा लेकर उनकी यौम पैदाइश की याद में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर कहा कि जम्मू कश्मीर के शहरियों को ये अजम करना चाहिए कि हम 2047 तक अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए अजीम इतिहाद और वाहिद मकसद के साथ काम करेंगे। वहीं दीगर इजला में भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। कोकरनाक से हमारे नुमाइंदे माजिद सलाम के मुताबिक कोकरनाक बॉटनिकल गार्डन में SDM कोकरनाक की कयादत में राष्ट्रीय एकता दिवस बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया गया जिसमें आवाम के साथ साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए ये हमारे मानने तक नहीं है, ये हर कोई यहाँ पे फील करता है, हर कोई सिटीजन फील करता है, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो लोकल हो, कॉमन हो, कोई भी हो जो फील करता है कि ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी और जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हो, चाहे वो रोड्स बिल्डिंग्स की बात हम करेंगे, चाहे वो ऑफिसेज की बात हम करेंगे, किसी भी मामले में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, चाहे वो डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे, तो हर एक मामले में एक ट्रांसपेरेंसी आई है। इसी तरह जिला इंतजाम अनंतनाग की जानिब से राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया जिसमें डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और SSP के अलावा DDC चेयरमैन ने शिरकत की और सरदार वल्लभभाई पटेल की यौम पैदाइश पर उनको याद किया। और आप देख रहे होंगे कितनी पार्टिसिपेशन है और ऐसे प्रोग्राम सब डिविजन लेवल पे भी मुनाकद किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ आज UT फाउंडेशन डे भी है। महकमा मौसमियात ने मौसम में बड़ी तब्दीली का इम्कान जाहिर करते हुए कहा कि 2 और 3 नवंबर को जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। वही महकमा का कहना है कि आज मौसम खुशक रहेगा और फिर 4 से 6 नवंबर तक मौसम खुशक रहने का इम्कान है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने वादी के तमाम स्कूलों के अवकात में 1 नवंबर से तब्दीली का हुक्म दिया। हुक्मनामे के मुताबिक जिला श्रीनगर की म्युनिसिपल हदूद में आने वाले स्कूलों का वक़्त सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा जबकि म्युनिसिपल हदूद से बाहर आने वाले स्कूलों का वक़्त सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 तक मुकर्रर किया गया। नाजरीन इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।